तो दोस्तों आज हमारे पास है OnePlus के दो फोन, एक है OnePlus Nord 3 और एक है OnePlus Nord CE 3। दोनों फोन को लॉन्च हुए लगभग 6 महीने हो चुके हैं और दोनों फोन जिस प्राइस पर लॉन्च हुए थे अब उससे कम प्राइस पर अवेलेबल है। तो क्या 2023 में ये फोन आपके लिए सही रह सकते हैं? और अगर इन दोनों फोन को लेकर आप कंफ्यूज है कि आपके लिए कौन सा बेहतर रहने वाला है, क्योंकि जब आप इनके स्पेक्स कंपेयर करते हैं तो एक या दो फीचर को छोड़कर इसमें आपको सभी फीचर सेम देखने को मिलते हैं। डिजाइन तो दोनों फोन की सेम है ही, पर जब प्राइस की बात आती है तो दोनों फोन में लगभग 5,000 रुपए का अंतर आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे कौन से फीचर है जो Nord 3 को इतना महंगा बनाते हैं, सब कुछ जानेंगे डिटेल में इस वीडियो में। पर उससे पहले आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही मोबाइल फोन के रियल वाले रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। देखिए, दोनों फोन को लगभग 6 महीने से हमारे ऑफिस में यूज किया जा रहा है और इन दोनों फोन से हम कोई नॉर्मल काम नहीं करते, आप इसको थोड़ा नॉर्मल से ऊपर ले सकते हैं। तो इनको काफी बढ़िया तरीके से हमने टेस्ट किया है और दोनों फोन 6 महीने बाद कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों फोन में क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिली है, दोनों फोन वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, इन दोनों फोन के सेपरेट वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो अगर आप इन दोनों में से कोई सा फोन खरीदने का सोच रहे हैं तो पहले वो वीडियो जरूर देख लेना। इस वीडियो में हम इन दोनों फोन को कंपेयर करने वाले हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है और इन दोनों में से आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा। देखिए, मैंने शुरुआत में ही बता दिया था इन दोनों फोन में अगर कुछ फीचर को छोड़ दें तो बाकी सब आपको सेम देखने को मिलेंगे, पर वो जो कुछ फीचर हैं जो दोनों फोन में डिफरेंस क्रिएट करते हैं वो बहुत बड़े हैं। सबसे बड़ा अंतर दोनों फोन के चिपसेट में है, यानी कि इनकी परफॉर्मेंस में है। अगर OnePlus Nord 3 की बात करें तो यहाँ पर MediaTek का Dimensity 9000 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। वहीं OnePlus Nord CE 3 की बात करें तो यहाँ पर आपको Snapdragon का 782G प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि Dimensity 9000 से तो फास्ट नहीं है पर उसको हम स्लो नहीं बोल सकते, वो भी एक अच्छा खासा प्रोसेसर है। पर दोनों चिपसेट के अगर AnTuTu स्कोर की बात करें तो हमने दोनों फोन को हाई परफॉर्मेंस रेट पर सेट करके इसका AnTuTu स्कोर चेक किया है। तो Nord 3 का AnTuTu स्कोर 9.5 लाख के आसपास देखने को मिलेगा, वहीं Nord CE 3 का AnTuTu स्कोर 6.5 लाख के आसपास देखने को मिलेगा, यानी कि परफॉर्मेंस के मामले में हम बहुत बड़ा अंतर कह सकते हैं। पर ये तो हो गई बेंचमार्क स्कोर की बात, पर प्रैक्टिकली में क्या सच में इतना अंतर है? तो परफॉर्मेंस के लिए अगर आप इसमें नॉर्मल काम करते हैं, यानी कि आप इंस्टाग्राम वगैरह देखते हैं या यूट्यूब यूज करते हैं, कॉलिंग वगैरह करते हैं या जो डेली डे टू डे टास्क करते हैं, तो दोनों चिपसेट में आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी, दोनों चिपसेट कहीं लैग आपको होते हुए नहीं दिखेंगे। पर जब बात आती है गेमिंग की तो यहाँ पर आपको थोड़ा अंतर देखने को मिल सकता है। अगर थोड़ी बहुत गेमिंग अगर आप इन दोनों फोन में करते हो तो इतना फर्क तो नहीं आएगा, पर लंबे समय के बाद इन दोनों में लैगिंग इशू आपको देखने को मिलेगा। पर OnePlus Nord 3 में अगर आप BGMI खेलते हैं तो आपको 90 FPS का सपोर्ट मिल जाएगा, Nord CE 3 में आपको 60 FPS से ही काम चलाना पड़ेगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस हो सकता है जो इन दोनों में से किसी एक फोन को गेमिंग के लिए लेने का सोच रहे हैं। पर मैं आपको पहले ही बता दूं, ये दोनों फोन गेमिंग फोन नहीं है। और अगर आपका बजट 25,000 रुपए के आसपास है तो आप IQ Neo 7 की तरफ जा सकते हैं, और अगर थोड़ा सा बजट और बढ़ा सकते हैं तो IQ Neo 7 Pro ले सकते हैं। ये दोनों IQ के फोन OnePlus के इन दोनों फोन से गेमिंग के मामले में बेहतर रहेंगे। बाकी अगर आप नॉर्मल यूज के लिए फोन खरीदना चाह रहे हैं और अगर आपको OnePlus का फोन ही चाहिए और आप इन दोनों फोन को लेकर कंफ्यूज है कि कौन सा खरीदना चाहिए, देखिए अगर आप किसी फोन को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाह रहे हैं तो आप OnePlus Nord CE 3 को खरीद सकते हैं, क्योंकि इसमें Snapdragon का चिपसेट आता है और मैं पर्सनली कई सारे फोन को टेस्ट कर चुका हूं जिसमें MediaTek के चिपसेट से Snapdragon की चिपसेट की लाइफ थोड़ी ज्यादा होती है, तो लॉन्ग टर्म में ये बढ़िया रहेगा। पर अगर आपको बेहतर परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए तो फिर तो आप Nord 3 की तरफ जा सकते हैं। अब दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस अगर इन दोनों फोन में बात करें तो वो है इनकी बिल्ड क्वालिटी। डिजाइन तो लगभग आपको सेम देखने को मिलेगी, पर यहाँ पर Nord 3 की बिल्ड क्वालिटी काफी बेहतर है। पहली चीज तो Nord CE 3 का बैक प्लास्टिक का है, वही Nord 3 का ग्लास का मिलेगा, साथ ही ग्लास भी गोरिल्ला ग्लास 5 देखने को मिलेगा जो कि काफी मजबूत है। अगर फ्रंट साइड की बात करें तो Nord CE 3 लाइट में कोई भी ग्लास को मेंशन नहीं किया गया है, समझ लो यहाँ पर कोई गोरिल्ला ग्लास नहीं है। वहीं Nord 3 में भी आपको गोरिल्ला ग्लास तो देखने को नहीं मिलेगा, पर इसमें आपको ड्रैगन ट्रेल नाम का ग्लास देखने को मिलेगा जिसकी बिल्ड क्वालिटी तो हमें नहीं पता, पर पिछले 6 महीने से हम इसे बिना टेम्पर ग्लास और बिना स्क्रीन गार्ड के यूज कर रहे हैं, पर इसमें स्क्रेचेस काफी कम देखने को मिले हैं। तो स्क्रेच के हिसाब से अगर हम देखें तो ग्लास ठीक है, अब बिल्ड क्वालिटी का नहीं पता कि ये गोरिल्ला ग्लास जितना मजबूत है या नहीं। फ्रंट से अगर हम दोनों फोन के बेजल देखते हैं तो ये काफी कम दिखते हैं, यानी कि आप दूसरी कंपनियों के फोन अगर देखेंगे तो 40,000-45,000 रुपए के फोन में भी आपको इतने कम बेजल देखने को नहीं मिलेंगे, पर Nord 3 में Nord CE 3 से और कम बेजल आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही Nord 3 में आपको अलर्ट स्लाइडर देखने को मिल जाएगा और Nord CE 3 में कोई अलर्ट स्लाइडर देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर आप बैक साइड में देखते हैं तो Nord 3 में आपको दो फ्लैश दिखाई देंगे, वहीं Nord CE 3 में एक फ्लैश दिखाई देगा। तो Nord 3 में जो दो फ्लैश दिखाई दे रहे हैं उनमें से एक तो फ्लैश है और दूसरा फ्लैश नहीं, वो सेंसर है जो कलर को बैलेंस करता है जिससे फोटो की क्वालिटी या फोटो में कलर एक्यूरेसी थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है। अगर हम दोनों फोन की फोटो क्वालिटी की बात करें तो सबसे पहले तो कैमरे के फीचर की बात कर लेते हैं, तो दोनों फोन में आपको बिल्कुल सेम कैमरे देखने को मिलेंगे। दोनों में प्राइमरी कैमरा 50
मेगापिक्सल का है, एक अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलेगा जो कि 8 मेगापिक्सल का है, और तीसरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाएगा। साथ ही दोनों फोन में सोनी का IMX890 सेंसर देखने को मिलेगा जो कि आपको OnePlus 11 और OnePlus 11R में भी देखने को मिलता है। और अगर फोटो क्वालिटी की बात करें तो दोनों फोन से लगभग सेम फोटो आपको देखने को मिलेगी। हाँ, OnePlus Nord 3 में थोड़ी सी बेहतर फोटो हम बोल सकते हैं कि देखने को मिलती है। अगर डिटेल वाइज बात करें तो दोनों में डिटेल लगभग सेम देखने को मिलेगी। इसके अलावा Nord 3 के कैमरा ऐप में आपको एक AI वाला ऑप्शन मिल जाता है जिसमें फोटो की क्वालिटी में थोड़ा AI का रूप देखने को मिल सकता है। हालांकि नॉर्मली इसको यूज किया तो इतना अंतर तो देखने को नहीं मिला है, पर दिया है तो हम इसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो दोनों फोन में OxygenOS देखने को मिलेगा और दोनों फोन में OxygenOS 14 का अपडेट मिल चुका है। OnePlus Nord 3 में 3 मेजर OS अपडेट और 4 साल तक के सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेंगे, वहीं Nord CE 3 में 2 मेजर अपडेट और 3 साल तक के सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेंगे। तो यहां पर 1 साल ज्यादा सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिल रहा है जो कि काफी अच्छी बात हो सकती है। बाकी दोनों का सॉफ्टवेयर काफी स्मूथ है। OxygenOS 14 के बाद इसमें Android 14 के और OxygenOS 14 के कुछ फीचर आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे, पर OxygenOS 14 के बाद थोड़ा बैटरी ड्रेन मुझे ज्यादा देखने को मिला है और लॉन्ग टर्म गेमिंग में पहले से ज्यादा लैग और हीट देखने को मिल रहा है जो कि शायद आने वाले अपडेट में OnePlus फिक्स कर सकता है। इसके अलावा दोनों फोन में सेम डिस्प्ले देखने को मिलते हैं। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ ये डिस्प्ले आते हैं, पर अगर आप 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट यूज करना चाहते हैं तो इसको आपको सेटिंग में जाकर सेट करना पड़ेगा, तब जाकर आप 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट यूज कर पाएंगे। इसके अलावा दोनों फोन में पीक ब्राइटनेस की बात करें तो Nord 3 में 1450 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है और Nord CE 3 में 950 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। पर अगर प्रैक्टिकली आउटडोर में दोनों फोन को यूज करें तो दोनों फोन बिल्कुल आप आसानी से यूज कर सकते हैं और इतना कोई मेजर डिफरेंस दोनों की ब्राइटनेस में मुझे आउटडोर में देखने को नहीं मिला है। तो मेरे हिसाब से तो दोनों डिस्प्ले सेम है। अगर बैटरी की बात करें तो दोनों में 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, दोनों के साथ 80 वॉट का चार्जर मिलता है और दोनों फोन 30 से 40 मिनट के अंदर फुल चार्ज हो जाते हैं। पर यहां पर मुझे एक इशू समझ आया है, पर यहां पर दोनों की बैटरी सेम होते हुए दोनों फोन में मुझे कुछ अंतर लगा है। अगर Nord 3 के बैटरी बैकअप की बात करें तो वो Nord CE 3 से कम मिलता है। अब इसके पीछे रीजन दोनों के चिपसेट का ही हो सकता है क्योंकि दोनों में सेम ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, पर इसमें Dimensity 9000 चिपसेट देखने को मिलता है और इसमें Snapdragon 782G चिपसेट देखने को मिलता है। तो हो सकता है Snapdragon का चिपसेट थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमाइज हो इसलिए बैटरी बैकअप थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है, पर इतना मेजर अंतर भी नहीं देखने को मिल रहा है। हमने दोनों फोन में हाईएस्ट सेटिंग पर 1 घंटे BGMI प्ले किया था जिसमें Nord 3 में लगभग 3% बैटरी ज्यादा ड्रेन हुई थी। इसके अलावा इनमें जो प्राइस का डिफरेंस है वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पर Nord 3 जब लॉन्च हुआ था तब 33,000 रुपए का था और अब ये 30,000 रुपए का हो गया है। और अगर आप सेल का इंतजार कर लेते हैं और कार्ड वगैरह लगा देते हैं तो आपको 2-3,000 रुपए का डिस्काउंट और मिल जाएगा। वहीं Nord CE 3 27,000 रुपए का लॉन्च हुआ था पर अब ये 25,000 रुपए में मिल रहा है और अगर इस पर भी डिस्काउंट वगैरह लग जाता है तो ये भी 2-3,000 कम में आपको मिल सकता है। तो इस प्राइस पॉइंट पर मुझे कोई कमी इन दोनों फोन में देखने को नहीं मिल रही है क्योंकि साथ में जो इसके कॉम्पिटिटर है अगर आप उनसे कंपेयर करते हैं तो OnePlus उनसे एक बड़ा ब्रांड है, एक अच्छी ब्रांड वैल्यू रखता है। साथ ही OnePlus में जो सॉफ्टवेयर मिलता है वो काफी बेहतर हम उसको कह सकते हैं। तो दोनों फोन में जो अंतर है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर और स्पेसिफिकेशन की बात करना जरूरी नहीं है वो तो आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको बाकी सारे स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे कि इसमें और क्या क्या है, कि स्टोरेज कौन सी यूज की गई है या रैम कौन सी यूज की गई है, इसमें NFC का सपोर्ट है या नहीं, इसमें 5G के कौन कौन से बैंड मिलते हैं, NFC मिलता है या नहीं, ये सब बातें आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, उनको बताने की बात नहीं है। मैंने जो प्रैक्टिकली दोनों फोन को यूज करके दोनों फोन में जो अंतर देखा है वो मैंने आपको बता दिया है जो कि इन दोनों फोन में से किसी एक को सिलेक्ट करने में आपको जरूर हेल्प करेगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, उससे थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर ऐसे ही वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।